नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीवीज टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति की। दोस्तों, सीरियल परिणीति के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक। कहते हैं ना, कभी कभी गलत करने वालों के साथ भी गलत हो जाता है। हमेशा टीवी सीरियल्स में विलन्स की, वैम्स की हम जीत होते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होने वाली है सीरियल परिणीति में। वो बेबे जिस बेबे ने हमेशा नीति का हर अच्छे बुरे काम में साथ दिया है, उसने कभी भी नीति को अकेला नहीं छोड़ा है, वो बेबे के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देखकर बेबे के तो होश उड़ जाने वाले हैं, और उन्हें होने वाला है अपनी सारी गलतियों का एहसास, होने वाला है उन्हें पछतावा। आप देखते हैं दोस्तों कि सीरियल परिणीति की कहानी में बेबे के साथ जो कुछ नीति करने वाली है उसके बाद बेबे कैसे बदलेगी। दरअसल नीति को हो गया है शक कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेबे परी के साथ मिली हुई है, क्योंकि पार्वती ने ना नीति के दिमाग में ना कुछ ऐसी बातें भर दी हैं जिसके बाद नीति को ऐसा लगने लगा है कि बेबे जो है वो मेरा साथ छोड़कर उस परी का साथ दे रही है, उस पार्वती का साथ दे रही है, वो मेरे खिलाफ है, वो मुझे डबल क्रॉस करके चीट कर रही है। और इस गलत फहमी की वजह से नीति के गुस्से की शिकार जो है वो बेबे हो जाती है, और यहाँ पर नीति जो है अब बेबे को जान से मारने का प्लान बना रही है। उसी समय मसीहा बनकर पार्वती वहां प्रकट हो जाएंगी और नीति के वार से बेबे को बचा लेंगी, जिसके बाद बेबे को एहसास होगा अपनी सारी गलतियों का कि जिस लड़की को मैंने शुरू से जान से मारने की कोशिश की, जिसे मैंने जान से ऑलमोस्ट मार दिया था, आज उसी लड़की ने मेरी जिंदगी बचाई है। और इसके बाद से बेबे खुद को बदल लेंगी और नीति की बजाय वो परी का साथ देंगी, अब उसके खिलाफ जाएंगी नीति के खिलाफ, और सबके सामने नीति को एक्सपोज करने में परी का साथ देगी। कैसे लगा आपको ये हमारी अपडेट, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।